गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स फ्रेंड्स कक्षा पाँच के हिंदी क्लास में आपका स्वागत है फ्रेंड्स आपको पता है कि हमारे जीवन में स्वच्छता का क्यों बहुत महत्व है क्योंकि जहाँ पर स्वच्छता है वहाँ आरोग्य है हमें अपना घर अपना आंगन अपनी गली मोला अपना गांव, अपना शहर को स्वच्छ रखना जाए तभी हमारा देश स्वस्थ रह पाएगा तो आज हम ऐसा ही एक पाठ स्वच्छता का इक, इकाई का अभ्यास करेंगे ओके तो चलो सबको अपनी पाठ्यपुस्तक खुली रखनी होगी इस पाठ को हम पढ़ेंगे और समझेंगे ओके इकाई तेर स्वच्छता हर एक विद्यार्थी अपने पाठ्यपुस्तक में ध्यान दें स्वच्छता और स्वास्थ्य का घनिष्ठ संबंध है स्वच्छता के अभाव में गंदगी फैलती है गंदगी रोगों की जड़ है यदि हम स्वच्छता संबंधी सतर्कता रखें और उचित स्थान पर ही कोडा डालें तो स्वच्छ जगत सुंदर जगत का निर्माण कर सकते हैं साथ ही स्वस्थ भी रह सकते हैं दोस्तों हमारे जीवन में स्वच्छता का बहुत ही महत्व है अगर हम स्वच्छता के संबंधी सतर्क रहें तो और उचित जगह पर कूड़ा डालें कूड़ा कूड़ा डाल में ही डालें तो हम स्वच्छ जगत और सुंदर जगत का निर्माण कर सकते हैं और हम खुद भी स्वस्थ रह सकते हैं इसीलिए मित्रों हमें स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए आगे हम पढ़ते हैं एक दिन अजय ने मोहन को अपने जन्मदिन पर बुलाया मोहन ने उसे उपहार में देने के लिए कहानियों की एक पुस्तक खरीदी उसे रंगीन कागज में लपेटा और अजय के घर चल पड़ा जैसे ही मोहन अजय की गली में पहुंचा, उसके ऊपर केले का एक छिलका आ गिरा अजय और मोहन दोनों मित्र है अजय का जन्मदिन है इसीलिए उसने मोहन को बुलाया है तो मोहन ने उसे उपहार में देने के लिए क्या लिया है एक कहानी की पुस्तक खरीदी है उपहार यानी उपहार यानी बेट तोहफा छी कितनी बुरी आदत है सड़क पर छिलका फेंकना मोहन ने मन में सोचा मोहन उपहार को रंगीन कागज में लपेटकर अजय के घर जाता है और जैसे ही वो मोहन अजय की गली में पहुंचता है तब क्या होता है पता है उसके सिर पर केले का एक छिलका गिरता है छिलका यानी फल आदि की छाल। हाँ सड़क पर छिलका फेंकना बुरी आदत है उसने छिलका उठाया और इधर उधर देखा मोहन इधर उधर देखता है कि किसने छिलका फेंका कुछ दूरी पर उसे एक कूड़ादान दिखाई दिया उसने छिलका उसमें डाल दिया तो मोहन ने छिलका किस में डाला कूड़ेदान में डाला बहुत सा कूड़ा कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ था वहाँ मक्खियाँ भिनक रही थी और चारों ओर गंदगी फैली हुई थी तो कूड़ा कूड़ेदान के आसपास भी फैला हुआ था कूड़ादान यानी कचरा डालने का पात्र कचरे के आसपास पास मक्खियाँ भिनक रही थी भिनक रही यानी कि मंदरा रही थी और चारों ओर गंदगी फैली हुई थी यह सब मोहन देखता है तो मित्रों मोहल्ले में गंदगी क्यों फैली हुई थी क्योंकि लोग कूड़ेदान में कूड़ा न डालकर सड़क पर ही डाल देते थे और सफाई की चिंता नहीं करते थे इसीलिए मोहल्ले में गंदगी फैली हुई थी कुछ और आगे बढ़ा तो मोहन को बड़ी बदबू आई उसने देखा नालियों में कूड़े के कारण पानी रुका हुआ है उसी पानी से बदबू आ रही थी तो बदबू कहाँ से आ रही थी बदबू नाली से आ रही थी नाली में कूड़े के कारण पानी रुक गया था और उसकी वजह से बदबू आ रही थी मोहन नाक पर रुमाल रखे अजय के घर पहुंचा मोहन ने नाक पर रुमाल क्यों रखा था क्योंकि बहुत बदबू आ रही थी वहां अजय के और भी कई मित्र आए थे अजय ने मोहन को अपनी माँ और पिताजी से मिलाया तो अजय का जन्मदिन था इसीलिए उसके और भी कई मित्र उसके घर आए थे अजय क्या करता है मोहन को अपनी माँ से और पिताजी से मिलाता है अजय की डाडी जो बीमार थी मोहन उनसे भी मिला मेज पर खाने की चीज रखी थी जिन पर बार बार मक्खियाँ आ जाती थी अजय अपने माता पिता और डाडी से मोहन को मिलाता है दादी बीमार है अब दादी क्यों बीमार है देखो दादी के पास जो मेज़ थी उस मेज़ पर खाने की चीज़ें थी और खाने की चीज पर कुछ भी ढका हुआ नहीं था वो खुली ही थी इसलिए उस पर मक्खियाँ आ जाती थी अगर दादी ऐसा खाना खाएगी तो बीमार तो होगी तो हमें भी खाने की चीज ढककर रखनी चाहिए मोहन ने अजय से कहा अजय तुम्हारे मोल में इतनी गंदगी क्यों है क्या नगर पालिका इसे साफ नहीं कराती तो मोहन अजय से गंदगी का कारण पूछता है अजय की माताजी ने कहा बेटा नगर पालिका की गाड़ी आया करती है जगह जगह कूड़ेदान भी है पर कुछ लोग उनमें कूड़ा नहीं डालते वे कूड़ा सड़क पर ही फेंक देते हैं इसीलिए सफाई नहीं रहती तो मित्रों अजय की माँ ने अपने मोले में सफाई न रहने का क्या कारण बताया अजय की माँ ने कहा कि कूड़ेदान तो है लेकिन लोग उसका सही उपयोग नहीं कर रहे इसीलिए गंदगी फैली हुई है लोग कचरा कूड़ेदान में न डालकर इधर उधर फेंकते रहते हैं इसीलिए गंदगी फैली हुई है दूसरे दिन पाठशाला साल में मोहन ने अपने अध्यापक को यह बात बताई अध्यापक ने कहा तुम ठीक कहते हो मोहन गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है दूसरे दिन मोहन अपनी पाठशाला जाकर अध्यापक को यह बात कहता है तब अध्यापक भी उसे कहते हैं कि तुम सच बोल रहे हो गंदगी से हमें बहुत सारे रोग हो सकते हैं मित्रों गंदगी से हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती है जैसे कि बुखार डस्ट उल्टी ज़ुकाम खुजली जैसी बीमारियाँ हो सकती हैं इसीलिए मित्रों हमें अपने आसपास स्वच्छता रखनी चाहिए मित्रों नगर पालिका का क्या काम है नगर पालिका का काम नगर को स्वच्छ रखना है पर हमें भी नगर पालिका की सहायता करनी चाहिए तो हम नगर पालिका की सहायता कैसे करेंगे चलो बोलो तो मित्रों हमें कूड़ा इधर उधर न डालकर कूड़ेदान में ही डालना चाहिए तभी हमारा घर हमारा आंगन हमारा मोला स्वच्छ रहेगा हम अपना आंगन अपना मोला खुद साफ़ करके नगरपालिका की मदद कर सकते हैं चलो एक दिन हम सब अजय के मोहल्ले में चले और स्वयं सफाई का काम आरंभ करें तो शिक्षक ने क्या कहा कि हम एक दिन सब अजय के मोहल्ले में जाते हैं और मोहल्ले की सफाई करते हैं रविवार के दिन सभी अजय के मोहल्ले में गए सबके हाथ में एक एक टोकरी और झाड़ू थे सड़क पर झाड़ू लगाकर उन्होंने कूड़ा इकट्ठा किया नालियों की सफाई की और पानी का रास्ता बनाया। मित्रों, अध्यापक बच्चों को अजय के मोहल्ले में क्यों ले गए थे क्योंकि अजय के मोहल्ले में गंदगी फैली हुई थी उसे वह बच्चों के द्वारा साफ करवाना चाहते थे वे लोगों को समझाना चाहते थे कि कूड़ा कूड़ा डान में डाले इधर उधर ना डाले इधर उधर डालने से गंदगी फैलती है और रोग भी फैलता है यह लोगों को समझाना चाहते थे तो मित्रों रविवार के दिन तो छुट्टी होती है है ना तो सब लोग अजय के मोहल्ले में जाते हैं और साथ में क्या ले जाते हैं टोकरी और झाड़ू ले जाते थे सब जाकर झाड़ू लगाते हैं और कूड़ा इकट्ठे करते हैं और क्या करते हैं नाली की सफाई भी करते हैं उनमें मक्खी मच्छर मारने वाली दवा डाली कूड़ेदान पर ढक्कन रखा मोहल्ले में रहने वाले सभी लोग बाहर निकल आए और उन्हें देखने लगे तो अजय के मोले की सफाई बच्चों ने कैसे की तो बच्चों ने सड़क पर झाड़ू लगाकर उन्हें एक कूड़ा इकट्ठा किया नाली की सफाई भी की और पानी का रास्ता बनाया उनमें मक्खी मच्छर मारने वाली दवा भी डाली और क्या किया जो कूड़ेदान का ढक्कन खुला रहता था उस पर ढक्कन भी रख दिया इस प्रकार सबने अजय के मोहल्ले की सफाई की मोहल्ले में रहने वाले सारे लोग बाहर आ जाते हैं और देखने लगते हैं बच्चों में बहुत उत्साह था देखते ही देखते पूरा मोहल्ला स्वच्छ हो गया अध्यापक ने लोगों को समझाया कि वे घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें, वे घर के आसपास सफाई रखें क्योंकि गंदगी से रोग फैलते हैं तो मित्रों अध्यापक लोगों को इधर उधर कूड़ा न डालने के लिए समझा रहे हैं क्योंकि इधर उधर कूड़ा डालने से क्या होता है गंदगी फैलती है और गंदगी फैलने से क्या होता है रोग फैलता है उन्होंने कहा मेरी पाँच साल के बालक सप्ताह में एक बार यहाँ आया करेंगे वे आपके मुहल्ले को साफ करेंगे आप भी इस काम में इनकी सहायता करें तो अध्यापक ने लोगों से क्या कहा कि मेरी पाठशाला साल के बालक यहाँ पर आएंगे और सफाई करेंगे तो आपको भी उनकी मदद करनी होगी सप्ताह में एक बार वो लोग आएंगे एक व्यक्ति ने आगे बढ़कर कहा नहीं नहीं इन बच्चों को आने की कोई आवश्यकता नहीं हम लोग स्वयं ही अपने मोहल्ले को स्वच्छ रखेंगे अब आप इसे हमेशा साफ सुथरा पाएंगे तो मोहल्ले का एक व्यक्ति आगे आकर कहता है कि अब उसकी ज़रूरत नहीं है हम स्व ही हमारे मोहल्ले को स्वच्छ रखेंगे आप हमेशा हमारे मोहल्ले को साफ सुथरा पाएंगे तो मित्रों अब लोगों को भी समझ में आ गया है कि हमें अपना आंगन अपना मोहला स्वच्छ रखना चाहिए हमें अपना घर अपना आंगन अपना मोहला अपनी पाठशाला स्वच्छ रखनी चाहिए अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा पूरा परिवार भी स्वस्थ रहेगा मित्रों आप स्वस्थ रहने के लिए क्या करोगे तो स्वस्थ रहने के लिए आप कूड़ेदान के बाहर कूड़ा नहीं फेंकोगे आप इधर उधर नहीं ठूकोगे खाने से पहले हाथ को बराबर धोओगे और हर रोज सुबह जल्दी उठोगे इस तरह आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखोगे दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको स्वच्छता इकाई समझ में आ गई होगी दोस्तों आपको भी स्वच्छता का ध्यान रखना है तभी ही आप सब बीमारियों से दूर रह पाओगे तो हम फिर मिलेंगे तब तक के लिए बाय